का आयोजन किया गया जिसमें सरहिंद पंजाब श्रद्धांजलि यात्रा को लेकर रणनीति तैयार की गई। आगरा में अभियान फाउंडेशन के तत्वाधान में आज लाल किला स्थित हनुमान मंदिर पर एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बैठक में सरहिंद पंजाब श्रद्धांजलि यात्रा जो 25 तारीख को लाल किले से निकलने जा रही है उसको लेकर चर्चा की गई, जिसमें यात्रा कहां कहां से होकर निकलेगी और किस किस तारीख पर कहां पहुंचेंगे ये पूरी रणनीति तैयार की गई। आपको बता दें सरहिंद पंजाब श्रद्धांजलि यात्रा फतेहगढ़ पहुंचेगी उसको लेकर आज बैठक में चर्चा की। यात्रा संयोजक रवि दुबे ने बताया कि 25 तारीख को आगरा से फतेहगढ़ सरहिंद पंजाब श्रद्धांजलि यात्रा निकलने जा रही है उसी को लेकर रणनीति तैयार की गई। विनोद कुमार आगरा समाचार 24। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि यात्रा का उद्देश्य है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सर्वोच्च बलिदान हिंदुत्व के लिए दिया और हिंदुत्व के लिए दिया और लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ सिखों के लिए दिया, उन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए बलिदान दिया, पूरे बलिदान कर दिया। उनके उनके संदर्भ उसके विषय को जागृत करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है और हमारी मांग है केंद्र सरकार से सात मांगे हमारी हैं, जो पाठ्यक्रम वगैरह में पढ़ाई जाए, इतिहास उनका पढ़ाया जाए और गुरु गोविंद सिंह का स्मारक बनाया जाए, वहाँ पर उनके बच्चों के नाम से भी स्मारक बनाया जाए। ये आगरा से लेकर सरहिंद पंजाब तक एक यात्रा लेके जा रहे हैं, कल हम 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे लाल किले से शुरू होने वाली है। देश के 4 राज्यों के और 17 शहर जिलों से होते हुए सैकड़ों गांव से होते हुए हम लोग 4 दिन तक सड़क पर प्रवास करते हुए और सरहिंद पहुंचने वाले हैं। 350 वर्ष तक गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार की प्राणों की आहुति और उनके त्याग बलिदान को लोग भूले रहे, उस विषय को जागृत करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है कि देश के अमर बलिदानियों को ये देश पहचानता नहीं है, हमारे धर्म नायकों को धर्म योद्धाओं को ये देश भूल गया, 350 वर्ष तक उनके विषय में किसी ने याद नहीं की और उनको सिर्फ सिख और सरदारों के हिस्से में हमने डाल दिया, जबकि उनकी कुर्बानी इस समस्त राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र में रहने वाले समस्त हिंदू नागरिकों के लिए दी गई थी, ये हम सबको याद रखना चाहिए। और मैं इस यात्रा के माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या उनके 4 साहिबजादों का चित्र गुरुद्वारों और सिखों के घरों और प्रतिष्ठानों तक सीमित रहना नहीं रहना चाहिए, देश के हर नागरिक के घर में उनका चित्र, उन हर नागरिक के प्रतिष्ठान पर उनका चित्र होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समस्त हिंदू जाति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस विषय को हमें जागृत करना और एक आज एक एक आदमी को, एक एक नागरिक को इस बात को याद दिलाना है कि उनका हम पर ऋण है, हम उसे किस प्रकार चुकाएंगे।